सकते हैं एक छपरी जा रहा है मेरे सामने, कोरबा का सबसे बड़ा मॉल है, इसको बोलते हैं दुबई रोड गाइस। व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, यो प्रिंस सीआर, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। दोस्तों वैसे अभी रात हो चुका है और मैं अभी अपने सिटी में निकला हुआ अपने लिए शॉपिंग करने के लिए। मेरे पास कपड़े तो काफ़ी हैं लेकिन मैं सोचा कि कुछ अलग कपड़े ले लूँ अपने लिए व्लॉगिंग करने के लिए। तो दोस्तों और वैसे अभी कपड़ा ले चुका हूँ मैं और आपको मैं सोचा कि वैसे नाइट हो चुका है तो मेरे सिटी का व्यू कैसा आता है आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और जैसे मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग में बोला था मड़वा रानी मंदिर माता का जो भी था, तो उस व्लॉग में मैंने कहा था कि नाइट का व्यू जरूर दिखाऊंगा जहाँ अच्छा दिखता है, जिसमें मैंने डे का व्यू दिखाया था। तो दोस्तों मिलते हैं उस व्लॉग में और इन्जॉय करिए दोस्तों, बने रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कोरबा शहर कुछ ऐसा दिखता है। ये हम इसे ट्रांसपोर्ट नगर बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर का स्टार्टिंग है ये। अपने बिल्लो सेरा पे चल रहे हैं। ऐसे दोस्तों नॉइस आएगा हवा का काफ़ी ज़्यादा, उसको इग्नोर करिएगा गाइस। और आप देख सकते हैं ये तो गाइस आप देख सकते हैं ये है ट्रांसपोर्ट नगर और पकड़ थोड़ा ट्रैफिक आ गया है, आप दिखाइए। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लंबा ट्रैफिक लगता है आप देख सकते हैं। और इस साइड दिखा, ये जाता है अपना इंडोर स्टेडियम गाइस, जो कि कोरबा का सबसे बड़ा ग्राउंड है। दोस्तों थोड़ा नाइट का व्यू है तो थोड़ा सा क्वालिटी फट रहा होगा इसका पिक्सल। आप देख सकते हैं ये हमारा मॉल है जिसे बोलते हैं दी पाम मॉल। ये देखिए गाइस कोरबा का सबसे बड़ा मॉल है। आपको फिर कभी किसी ब्लॉग में लेकर चलूंगा दोस्तों इस ब्लॉग में। तो दोस्तों ये है कोरबा का मेन सिटी, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने जो हमारा सोनालिया पुल बोलते हैं वो एक ब्रिज है, उसका नाम सोनालिया पुल है। अभी आपको दिखाता हूं दोस्तों। और यहां का जलेबी काफ़ी फेमस है गाइस, आप देख सकते हैं एक छपरी जा रहा है मेरे सामने। अच्छा हमको सिखा रहा है कैसा कट मार रहा है गाइस NS 200 में, अपना काम कर रहा है। ये है सोनालिया पुल, दिखाओ इधर, हाँ इसे बोलते हैं सोनालिया पुल। और आपको इस साइड लेकर चलता हूँ दुबई रोड पे, जो कि हमारा कोरबा का सबसे फेमस है रोड, इसको बोलते हैं दुबई रोड गाइस। आप देख सकते हैं, आपको एक बार इसका व्यू दिखाऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा दुबई रोड बोलते हैं जिसे, बहुत ही ज़्यादा फेमस है गाइस। दोस्तों ये भी कोरबा का मेन सिटी है और इसे बोलते हैं प्लाजा। इसके अंदर काफ़ी सारी शॉप है, हर वैरायटी की शॉप है, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कपड़े की शॉप है, जैसे मोबाइल शॉप है, हर चीज़ की शॉप है। ये एक और मॉल है दोस्तों, सिटी सेंटर जिसे बोलते हैं। आपको फिर किसी ब्लॉग में आपको यहाँ का मॉल का टूर कराऊंगा गाइस। बाकी आप देख सकते हैं मेरी नज़रों से मेरा कोरबा शहर का छोटा सा व्यू। पहुंच चुके हैं और आप देख, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ सामने पे
का व्यू। तो दोस्तों हम उस जगह पे आ चुके हैं और आने में पता चला है गाइस कि उसका जो लाइट है, लाइटिंग सिस्टम उसमें का कुछ खराब हो चुका है, जिसमें से रेड और ब्लू का ऊपर से लाइनिंग आता है। आप देख सकते हैं थोड़ा अजीब लग रहा होगा। क्या बोला तूने? जिस तरह मैंने बताया था उस तरह दिख नहीं रहा है अभी। और ऐसे अभी पार्क बंद है दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे कोरबा का रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है और कुछ ऐसा दिखता है हमारा कोरबा का रेलवे स्टेशन। आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। और अभी अंदर जा नहीं सकता, उतना अच्छे से इसको शूट नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों, सॉरी। और नेक्स्ट टाइम मैं ड्रोन लूँगा तो मेरे कोरबा सिटी को और अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ऐसे 10,000 सब्सक्राइबर होगा उसके बाद ड्रोन लूँगा गाइस, ठीक है। और हमारे कोरबा को ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर कार पार्क करते हैं और उस साइड है बाइक वाइक पार्क करते हैं गाइस। तो चलते हैं अब। लोगों ने हमारा कोरबा का रेलवे स्टेशन देखा ही होगा और आपको ले चलता हूँ अब घंटाघर चौक, और घंटाघर का आपको व्यू दिखाऊंगा, फिर कोसाबाड़ी लेकर चलूंगा, फिर डायरेक्ट अपने घर चलेंगे गाइस। तो मिलते हैं डायरेक्ट। तो गाइस ये हमारा घंटाघर, हम पहुँच चुके हैं और ये हमारे कोरबा का जो बीच जगह होता है वही है। और आप देख सकते हैं इसके चारों ओर पूरा शॉप है दोस्तों। और इसका एक और अच्छा नज़ारा दिखाने ले चलता हूँ आपको सामने की ओर। सामने क्या है अपना ऑडिटोरियम है और यहाँ पर सर आज लाइट नहीं जल रहा है, क्या हो गया यार? लाइट थोड़ा दिखा दो यार, आज जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ का लाइट ही नहीं जल रहा है। ये चौपाटी है दोस्तों, यहाँ लोग हर तरह की चीज़ें खाने आते हैं। और ये हमारा स्मृति उद्यान है, पार्क है दोस्तों ये। तो दोस्तों अब हम निहारिका पहुँचने वाले हैं। निहारिका से पहले हमारा ये टॉकीज पड़ता है, देख सकते हैं निहारिका टॉकीज के नाम से जानते हैं उसको। और ये है हमारा निहारिका टॉकीज, सॉरी निहारिका चौक, इसको सुभाष चौक के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए इधर पार्क है गाइस, बोलते हैं पुष्पलता गार्डन, काफ़ी मशहूर है दोस्तों। ये हमारे बचपन में काफ़ी आया करते थे। और आपको मेरी जो स्कूल पढ़ता था वो स्कूल दिखाऊंगा दोस्तों, दूर से मैं अंदर नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि अभी बंद होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला वो जो स्कूल है, ये वाला, इसमें हम मैं पढ़ा हूँ, टू वर्ड पब्लिक स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। और यहाँ की प्रिंसिपल इतनी गरीब हो गई है यार, एक लाइट लगा नहीं पा रही है वो भाई। और कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों हमारा कोरबा शहर। फाइनली मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ और मेरा बीच रास्ते में अभी पेट्रोल खत्म हो गया था, काफ़ी दिन से पेट्रोल डलवाया नहीं था। मुझे लगा था एक टाइम, मतलब एक दो महीना पहले इसका टंकी फुल कराया था, तो तब से गाड़ी ज़्यादा चलाया नहीं था। पता नहीं इसका कैसे एवरेज नहीं दिया कि क्या नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन पेट्रोल खत्म हो गया था। तो अभी पहुँचा हूँ, एक डेढ़ घंटा से वेट कर रहा था, फ्रेंड आया फिर पेट्रोल लेकर आया फिर डाला उसका, अभी दोस्तों में पहुँचा हूँ। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वैसे तो उतना खास वीडियो बनाया नहीं हूँ इस बार का ब्लॉग को, तो देखते हैं दोस्तों कितना पसंद करते हैं मेरे शहर को। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट ब्लॉग में, नए जगह नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय गाइस, जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।